मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुजरात की ट्रेडिशनल रेसिपी मेथी खाखरा। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप अपने सफर में ले जाने के लिए इसको बना सकते हैं। एक बार बनाइए और 10 दिन तक बड़े आराम से आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एयर टाइट डिब्बे में भर के रख लीजिए, ये 10 दिन तक खराब नहीं होएगा और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। बस इसको बनाते टाइम कुछ जब बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप इसका आटा लगाएं तो मोयन का ध्यान रखना है आपको, और आटे को सेट होने के लिए ज़रूर छोड़ना है। और बनाते टाइम आपको अगर प्रॉपर शेप चाहिए तो किसी ढक्कन से काट लीजिएगा, जो मैंने अपनी रेसिपी पे आपको प्रॉपर बताया है। तो प्लीज़ इस रेसिपी को आप एंड तक देखिएगा ताकि आप ऐसे मार्केट स्टाइल में खाखरा बना सके। मेथी खाखरा बनाएंगे। मेथी खाखरा बनाने के लिए एक बड़ा बाउल लिया है मैंने। इसमें मैं ये 2 कटोरी गेहूं का आटा डाल रही हूँ। ये गेहूं का नॉर्मल आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। 1 कटोरी डाल दिया है, 1 और कटोरी डाल रही हूँ। ये टोटल 2 कटोरी हो गई है। ये 1/2 कटोरी बेसन है, इसको इसमें डाल दूंगी मैं। टोटल 2 कटोरी मैंने गेहूँ का आटा और 1/2 कटोरी बेसन यूज करा है। अब मैं इसमें चटपटा बनाने के लिए कुछ मसाले ऐड करूँगी। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर है। आप तीखा चाहे तो थोड़ा और डाल दीजिए या कम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून ही करीब ये जीरा डाल रही हूँ, खड़ा जीरा है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 टीस्पून करीब कसूरी मेथी है, इसको हम हाथ में ले लेंगे और थोड़ा सा ऐसा क्रश करते हुए डाल देंगे इसको। सूखी मेथी डाल दीजिए। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच भर के ऑयल डालूंगी, 1 और 1 के 2। अब हम इसको हाथ की सहायता से अच्छे से मोयन को पूरे मसल लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, आप देख सकते हैं ऐसा हाथ से हम बाइंड करेंगे, ऐसा बाइंडिंग आ जाए। हमको ऐसे ही मोयन का जरूरत है। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और आटा लगा लेते हैं। हमको इसको पूड़ी से थोड़ा सा नरम और पराठे के आटे से थोड़ा सा सख्त आटा लगाना है। तो थोड़े थोड़े इसमें पानी डालते जाएंगे और आटा लगा लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं मैंने आटा लगा के तैयार कर लिया है। हमको ऐसे ही आटा चाहिए। अब हम इसको ढक के 30 मिनट के लिए रेस्ट होने को छोड़ देंगे। हमारा आटा लगाए हुए 30 मिनट हो गया है, हमारा आटा सेट हो गया है। अब हम हाथ में थोड़ा सा और ऑयल लेंगे, 1 चम्मच करीब इसमें ऑयल लेंगे और वापस इसको डाल के और अच्छे से मस लेंगे। एक बार वापस इसको मसल मसल के चिकना कर देंगे। देखिए आप देख सकते हैं मैंने इसको मसल मसल के चिकना कर दिया है। अब मैं इसमें से एक छोटा नींबू के बराबर बॉल तोड़ूंगा, इसकी लोई कर लेंगे हम। इसकी अच्छी बढ़िया चिकनी सी लोई बना लेंगे। चकला ले लेंगे, बेलन लेंगे। चकला बेलन की सहायता से हम इस पर रोटी बेलेंगे, आटा डस्ट करेंगे और जैसे हम रोटी बनाते हैं ऐसे इसको बेलेंगे, अच्छे से इसको बेल लेंगे। जब तुमको ज़रूरत हो हम आटा लगाएंगे और इसको बेल लेंगे। बिल्कुल पतली रोटी हमको बेलनी है, जितनी पतली हम बेल पाए उतनी पतली इसको बेलनी है। देखिए हमको ऐसे अच्छे से फैला फैला के सब साइड से बिल्कुल पतला बेल लेना है। बिल्कुल कागज जैसा पतला ये बेलने में आ जाता है। वापस इसको ऐसा पलट लीजिए और जिस साइड से थोड़ा मोटा दिख रहा हो उस साइड से और बेल लेंगे इसको। देखिए आप देख सकते हैं मैंने कितना पतला इसको बेला है। अब हम ऐसा कोई ढक्कन लेंगे, ये हमारे डिब्बों के ढक्कन होते हैं, इससे हम काट लेंगे जिससे हमको बिल्कुल बाजार वाला प्रॉपर शेप का खाखरा बनके तैयार हो जाएगा। ऐसा प्रेस कर दीजिए, देखिए ये सब साइड से आसानी से निकल जाएगा और ये बचा हुआ आटा भी हम उसी में वापस रख देंगे। और आटे को हमको ढक के रखना है। देखिए प्रॉपर आटे हमारा खाखरा बनके हो गया है। अब हम इसको सेकेंगे। चलिए गैस की साइड चलते हैं। देखिए हमने गैस ऑन कर दिया है और तवा भी गर्म हो गया है, हमने गर्म होने के लिए रखा था। और गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल धीमा रखा है, ये ज़रूरी बात है। हमको पूरे खाखरा सेकने में गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम, बिल्कुल लो ही रखना है, इसी पे हमको सेकना है।
और हमें खाकरा डाल देंगे और इसको सिकने देंगे। आप देख सकते हैं इसको डालते से कैसे बबल्स आ गए हैं, ये बहुत जल्दी सिक जाता है। और इसको ऐसा पलट देंगे, ये देखिए ऐसा इसको पलट पलट के, ऐसा ही दबाने वाला हो तो ऐसा दबा के या फिर कपड़े की सहायता से भी दबा सकते हैं। ऐसे सेकना है इसको, पलट पलट के सेकते जाएंगे, ऐसे दबाते जाएंगे। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये सिक्के तैयार हो रहा है। बस हमको इसको ऐसे सब साइड से पलट पलट के और दबा दबा के सेक लेना है। इसको सीखने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, 4 से 5 मिनट लग जाएंगे आपको एक खाखरा सेकने में। देखिए कितना अच्छा बन रहा है ये, देखिए आप देख सकते हैं। देखिए अभी बन गया है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और हम इस पे दूसरा खाखरा डाल देंगे। सेम ऐसे ही दूसरा खाखरा डाल देंगे। देखिए आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आ गए हैं। अब हम इसको वापस पलट लेंगे, ये देखिए, और इसको ऐसा दबा दबा के ही सेकेंगे, इसे दबाते जाएंगे और वापस पलट लेंगे। ऐसे हमको पलट पलट के ही इसको धीमी गैस पे सेकना है। देखिए हमारा दूसरा भी ये खाखरा सीख के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं हमको दोनों साइड से ऐसे इसको क्रिस्पी होने तक ही सेकना है। अब हम इसको साइड में रख देंगे और अपना दूसरा डाल देंगे, इसको भी ऐसे ही सेकना है। सारे हम ऐसे प्रोसेस से सेकेंगे। हमारे सारे खाखरे बनके तैयार हुए। ये गुजरात की फेमस ट्रेडिशनल डिश, चाय के साथ खाइए या सफ़र में ले जाइए। ये 10 दिन तक ख़राब नहीं होएगा। आप ऐसे बना के एयर टाइट डिब्बे में भर के रख दीजिए और ये 10 दिन तक चल जाएगा बहुत ही आराम से। आपको जब भी चाय के साथ खाने की इच्छा हो एक निकालिए और खाइए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बनाना भी बहुत आसान है। बस इसको बनाने में हमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि हम गैस बिल्कुल धीमे पे ही करके इसको बनाते हैं और एक खाखरा सिकने में करीब 4 से 5 मिनट लग जाता है। आप इसकी क्रिस्पनेस देख सकते हैं, देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, सुनिए। देखिए कितना क्रिस्पी और कितना खस्ता बनके ये तैयार हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।